हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले, और हम लोग जो है आज लेंगे सवाल है 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, या कोई भी अंक का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को अभाज्य गुणनखंड से पहले एक अभाज्य संख्या आता है उसके बारे में जरूर जानना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको वीडियो, या आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता देते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड में हम लोग उसी चीज से लगा सकते हैं जो चीज जो कि अभाज्य संख्या होगा। जैसे कि हम लोग दो से अभाज्य पहले हम लोग किससे लगाएंगे, 120 से पहले हम लोग दो से करेंगे। दो से नहीं लगेगा तो हम लोग तीन से लगाएंगे, तीन से नहीं लगेगा चार से नहीं लगाएंगे, हम लोग पांच से लगाएंगे। यही होता है अभाज्य गुणनखंड में हम लोग उसी से लगा सकते हैं जो कि वो अभाज्य संख्या रहे। अब अभाज्य संख्या कौन कौन है तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दो है, तीन है, पांच है, सात है, ग्यारह है, तेरह है, सत्रह, उन्नीस, तेईस, इस टाइप से आपका 19, 23 ऐसे करके आपका सो ऑन आगे तक है। लेकिन हम लोग का ज्यादा जो उपयोग पड़ता है दो का पड़ता है, फिर तीन का पड़ता है, फिर पांच का पड़ता है, सात का, ग्यारह का, बहुत बहुत तो 13 तक का पड़ता है, उपयोग पड़ता है हम लोग को बनाने में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये चीज सीख गए, जान गए। अब देखिए आप लोग को बता दे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे है, अब हम लोग सबसे पहले 120 है। अब कैसे जानेंगे जिसमें दो से लगेगा, तीन से लगेगा, या पांच से, या सात से। सबसे पहले हम लोग दो से लगाते हैं, यदि नहीं लगता है तब हम लोग तीन के ऊपर चलते हैं, यदि तीन से भी नहीं लगता तब हम लोग पांच के ऊपर चलते हैं, पांच से नहीं लगता है सात के ऊपर चलते हैं। समझ गए आप लोग। अब देखिए अब हम लोग दो से क्या करेंगे, ट्राई कर रहे हैं लगाने का। अब दो से कैसे लगेगा भैया, दो से आप लोग को बताया गया था लगने का नियम है दो से, यदि इकाई स्थान पे, ये स्थान को क्या बोलते हैं, इकाई, ये जो जीरो स्थान आप लोग देख रहे हैं, ये स्थान है, ये जो स्थान है जीरो स्थान था, ये 120 यदि है, ये जो जीरो वाला स्थान है ये क्या है, इकाई स्थान, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इकाई स्थान। यदि इकाई स्थान पे, यदि इकाई स्थान पे जीरो, दो, चार, छ, आठ हो, वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगा, वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे तो भैया जीरो है, मतलब ये दो से लगेगा। हाँ भैया ये तो दो से लगेगा, आप जैसे बताए। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, इसको पहले दो से लगा देते हैं। दो से लगाने का मतलब हुआ यहाँ दो से इसमें दे। अब दो को कितना बार पढ़ेंगे, 120 आएगा 60 बार, इसका नियम है। यहाँ देखिए कितना है, 12, 12 का आधा कितना होता है 6, जीरो का जीरो उतार दिए। यह आप लोग भागा भी दे सकते हैं, 2 भागा 120, दुक्का देखो कितना बार पढ़ेंगे जो 12 आएगा, तो 2 × 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 12 कट गया रे भाई, कट गया, ये जीरो उतर गया, यहाँ भी ये भी जीरो उतर गया, ये क्या हो गया आपका, जीरो का जीरो हो गया, ये आपका कट गया, ये आपका कितना हो गया, 60 हो गया। तो दुक्का देखो कितना बार पढ़ेंगे, 120 आया 60 बार पढ़े, तो यहाँ पे क्या दे दे, 60 दे दे। अरे भैया आप फिर दो से लगेगा, कैसे लगेगा दो से, आप ही तो समझाए थे इकाई स्थान पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या फिर दो से विभाजित होगा। हाँ फिर दो से लगा दीजिए आप लोग, दो से कितना होगा हम बताए थे, 6 का आधा कितना होता है 3 रे बाबा, 3, जीरो का क्या हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा 3। भैया फिर दो से लगेगा, कहा है कि फिर इकाई स्थान पे फिर है ये चीज है 0, 2, 4, 6, 8, हाँ फिर दो से लगा दीजिए, फिर क्या है दो से लगा दीजिए, दो से कितना हो जाएगा 15 × 2 = 30, 15 × 2 = 30, 15। भैया अब तो फंस गए, अब तो दुकान दो में नहीं आ रहा है 15, अब यदि हम लोग 2 से 15 में भागा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, एक तो शेष बच जाता है, भैया ये कैसे होगा, एक तो शेष बच रहा है, अब ये दो से नहीं लगेगा। अब अगला नंबर देखेंगे, भैया बताए थे, गंधर्व भैया बताए थे अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या से लगा सकते हैं, दो के बाद अभाज्य संख्या यहाँ भैया लिखाई थे 3 होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। दो के बाद भैया बताए थे 3 होता है, अब हम लोग 3 से लगाएंगे। अरे भैया 3 से लगाने का नियम हमको बताइए ना कुछ, 3 से कैसा लगेगा, यदि कोई संख्या जैसे हमको 15 में 3 से लगाना है उस संख्या को हम लोग ऐड कर देंगे, संख्या है 1 + 5, 1 + 5, संख्या 1 और 5 बराबर क्या होता है 1 और 5 = 15 होता है, तो संख्या को हम लोग ऐड कर दिए, 1 + 5 कर दिए तो ये क्या हो गया 6 हो गया। ऐड करने पर जो एक नया संख्या बनता है यदि वो 3 से विभाजित है, यदि वो 3 × 3 के पहरा में आ रहा है, यदि वो 3 × 3 में कट रहा है, तो उसको हम लोग ये जो संख्या होगा मेन संख्या ये 3 से विभाजित होगा। हाँ भैया ये तो कट रहा है, अब क्या है ये तो यहाँ पे देखिए 1 + 5 = 6 होता है, और 3 से यदि भागा दे देते हैं तो 3 × 6 हो जाता है, शेष 0, ये तो कट रहा है भैया, तो इसका मतलब यह 3 से विभाजित होगा। क्या है कि
कोई भी संख्या 3 से तब विभाजित होगा तो उस संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे हम लोग का मन मन करता है 315 तीन से विभाजित है कि नहीं, तो क्या करेंगे, तो 3 को जोड़ देंगे, 1 को जोड़ देंगे, 5 को जोड़ देंगे, हम लोग देखते हैं 5 × 1 = 6 = 9 होता है, अर्थात 3 से यह संख्या विभाजित होगा। 3 से कितना मात्रा में विभाजित होगा, 3 से 3 से हो जाएगा 105 या 315, 105 गुना 3 की जगह तो 315 हो जाएगा आपका, तो समझ गए इस स्टेप से। अब देखिए हम लोग यहाँ 3 से लगा देंगे, 3 से कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, अब हो गया 5, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिखेंगे तो एक भी नंबर मेरा नहीं कटेगा, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 से 1, यहाँ तक क्या लेते हैं 5 से 1 लोग लिख देता है इस टाइप से। अब लोग लिखता है 120 बराबर, सवाल में क्या था 120 बराबर, ये जरूर रखिएगा लाइन आप लोग, पहले देखो कितना 2 है, 1 × 2 यहाँ पे है, 1 × 2 यहाँ पे है, 1 × 2 यहाँ पे है, 3 × 2 है, लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2, अब देखिए 1 × 3 है यहाँ पे, 1 × क्या है 3 है, अब दे देंगे 3 × 1 × कितना है 5 है, अब क्या दे देंगे गुना 5, इसको नहीं लिखते हैं, ये जो 1 है यहाँ नहीं, यहाँ भी हम लोग खत्म कर सकते थे या 5 से 1 भी कर दिए थे, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप लोग गुना कीजिएगा 2 × 2 × 3 × 2, अब देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 8 = 24, 24 × 5 = 120, 120 पुट गया ना, ये आपका क्या हो गया, इतना करके आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। तो अब आप लोग ये बताइए कमेंट में, आप लोग का 120 का समझा दिए तो 90 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग कमेंट में बताइएगा, इस तरह लिख के बताइएगा, जैसे 90 का मान चलिए 2 × 3 × 5 × कुछ भी होगा, तो इस तरह से जहां तक होगा उसको लिख के आपको कमेंट में बताना है, और अपना नाम भी जरूर लिख देना है, तो उसका कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे और वहां पे आपका दिल देंगे, लव बना देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, यदि कोई डाउट है तो जरूर क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, यदि कोई डाउट है तो आपका जरूर क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आपसे अगला वाले वीडियो में।